हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एम्बर्स फुल डे डाइट। और एम्बर इज़ 2 ईयर, तो फुल डे वो क्या खाती है, तो उसका जो फर्स्ट मील होता है दैट इज़ अराउंड 8:30 के बीच में, क्योंकि वो मॉर्निंग में 5 बजे के करीब 5:30 दूध पीती है। तो आज उसको मैं ओट्स दे रही हूँ, तो ओट्स के लिए जस्ट मैंने मिल्क में ओट्स बनाए हैं और उसमें सिनेमन और थोड़ा सा गुड़ शक्कर जो है वो ऐड करके एप्पल थोड़े से मैंने ऐड करे हैं, और साथ में उसको मैं एग दूंगी। तो एग का आजकल उसको येलो पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। काजू 2 दे रही हूँ जिसको मैं पीसेस में कर दूंगी ताकि वो छोटा छोटा करके खा सके, और साथ में एप्पल दे रही हूँ उसको, तो थोड़ी सी स्किन होनी चाहिए उसके लिए एप्पल के, तो ताकि उसको पता चल जाता है कि एप्पल है। तो ओट्स है उसके लिए, ब्रेकफास्ट में एग वाइट है, तो उसके मूड पे डिपेंड करता है कि उसको एग येलो खाना है या नहीं खाना है, तो आज उसका मूड नहीं है, तो शी विल ईट ओनली एग वाइट और एप्पल एंड सम काजू। तो ये उसका ब्रेकफास्ट है, अराउंड 8:30 उसका ब्रेकफास्ट होता है। टॉडलर के बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फुल मील जो उनको आप सर्व करते हैं वो पूरा फिनिश करते हैं, तो उनमें से 70% वो खाती है, बाकी वो मेस करती है या छोड़ देती है। अराउंड 10:30 उसका स्नैक टाइम होता है, तो जो भी हम लोग फ्रूट खाते हैं या जूस, जैसे कि वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस जो भी हम लेते हैं वो उसको साथ में देते हैं। तो आज मैं ले रही हूँ कुकुम्बर, बीट रू, लेमन स्क्वीज करूँगी जूस में, टमाटो, थोड़ा सा आंवला, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है ये जूस, देन जिंजर, मौसमी और वाटरमेलन। तो ये सबका जूस जो है कोल्ड प्रेस जूस जो घर में बनता है वो उसको देते थोड़ा सा, तो फ्रेश बना के बच्चे को दो, अब बहुत ही अच्छा बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। तो समटाइम्स वो पीती है, समटाइम्स नहीं पीती है। तो अराउंड 12:30 उसका लंच टाइम होता है, और अगेन 12:30। तो आज थोड़ा उसको मैं कर्ड राइस दूँगी, तो राइस बना लिए हैं, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर दूँगी, जब राइस थोड़े से ठंडे होते हैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह, और ऊपर से उसको टेम्पर करूँगी, थोड़ा सा तड़का दे दूँगी। तो जब मैं राइस बनाती हूँ बॉयल करते उसमें थोड़ा सा घी और जीरा ऐड कर देती हूँ, और तड़के में मैं घी में थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ, और बाकी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, राई और करी लीव्स, और बाकी अगर आपको नमक मसाला कुछ भी ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ऑल्सो थोड़ा सा अजवाइन और काली मिर्च मैं हमेशा ऐड करती हूँ। तो ये उसका लंच का एक पार्ट है। दही राइस उसको काफ़ी पसंद है, तो जो टेम्पर मैंने करा तड़का लगाया वो ऊपर से पोर कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से, और साथ में उसको मैं दे रही हूँ थोड़ा सी सब्जी जो हमने खुद बनाई है, आलू और गोभी के साथ में छोटी सी चपाती, ताकि उसको हर चीज़ की आदत हो, तो वो ज़्यादा राइस प्रेफर करती है ओवर रोटी, बट फिर भी उसको मैं सर्व थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ साथ में ताकि उसको आदत हो। तो कुकुम्बर वो बहुत पसंद करती है सैलड में, तो एक प्रॉपर यू नो थाली स्टाइल उसका लंच हो जाता है। तो ऑफकोर्स पूरा फिनिश नहीं करेगी, थोड़ा खाएगी थोड़ा फेंकेगी, बट इसी से बच्चे सीखते हैं, तो ये उसका लंच है। थोड़ा उसको मैं खिलाती हूँ, थोड़ा वो खुद से खाना पसंद करती है, तो जब खुद खाती है फेंकती भी है, बट इसी से वो लर्न करती है कि कैसे खाना है, बट आजकल उसको यही पसंद है उसको खुद से खाना है। लंच के अराउंड 1/2 hour 45 minutes के बाद में मैं उसको छाछ देती हूँ, जिसमें ब्लैक पेपर होता है, नमक होता है, काला नमक होता है, बहुत ही अच्छा डाइजेशन के लिए होता है, जीरा ऐड कर देती हूँ। देन इवनिंग स्नैक काफ़ी मुझे होता है कि अच्छा सा हेल्दी होना चाहिए, तो आज मैं उसके लिए राजगिरा मैंने जो कि अच्छी तरह बॉयल करके रखती हूँ पहले, अगर मुझे शाम को बनाना है तो मैं सुबह उसके लिए बॉयल करके रख लेती हूँ, भिगो के रख लेती हूँ। तो राजगिरा है, बहुत ईजी रेसिपी है, जस्ट बॉयल कर ले,
आप इसकी बाकी रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा राजगिरा मैंने लिया है और साथ में मैंने थोड़ी सी अंजीर, जो कि ड्राई फ्रूट है, अगर फ्रेश है तो भी यूज़ कर सकते हैं, तो अंजीर दो भिगो के रखी थी, साथ में बादाम, तो इसका शेक बनाना है। और जो भी फ्रूट्स है आपके पास सीजनल फ्रूट्स, तो यहाँ पर मैंने अंजीर ली है, बादाम लिए हैं, थोड़े से वाटरमेलन, पम्पकिन सीड्स लिए हैं, पीनट बटर लिया है, देन मैंगो सीजनल है और बनाना लिया है, और साथ में अमरंथ राजगिरा जो कि मैंने बॉयल करा हुआ है, और साथ में थोड़ा सा आलमंड मिल्क, तो चाहे आप यूजुअली कोई भी काओ मिल्क वगैरह ले सकते हो, तो सबको मैंने ब्लेंड कर देना है और एक अच्छी सी स्मूदी बन जाएगी। और काफ़ी हैवी होती है और बहुत ही हेल्दी है, तो ये उसको मैं देती हूँ, कभी ओट्स ऐड करती हूँ, कभी अमरंथ ऐड करती हूँ, तो यू नो वैरायटी में बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो उसको जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो उसको भी छोटे से ग्लास में पीना पसंद है, तो ये उसका इवनिंग स्नैक है। नाउ दिस इज़ ऑप्शनल, जब हम कोई फ्रूट खाते हैं अराउंड 6:30 तो उसको भी खाना होता है, तो वी आर हैविंग वाटरमेलन, तो उसको भी छोटे छोटे पीसेस में चाहिए, हालांकि वो उसका मैसी करेगी, बट एटलीस्ट शी इज़ लर्निंग हाउ टू ईट बाय हरसेल्फ। तो अराउंड 7:30 उसका डिनर टाइम होता है, तो मैं बहुत ही मुझे होता है कि उसके टाइम पर खाना मिले। तो आज मैं बना रही हूँ दलिया, और इसमें पालक ऐड करूँगी, ब्रोकली, देन कैरेट, और बाकी अनियन, और दाल थोड़ी सी मैंने मूँग दाल भी कोई है, और सोयाबीन, तो अनियन का तड़का देना है। तो जस्ट घी में जैसे आप नॉर्मल तड़का देते हो वैसे ही सबसे पहले हींग ऐड करती हूँ ताकि अच्छी डाइजेशन हो, देन अनियन और गार्लिक थोड़ा सा, और उसको सौते करने के बाद में बाकी जो वेजिटेबल्स हैं। तो बेसिकली मेरा ये होता है कि मेरी फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स हैं मैं सारी की सारी उसको ऐड करूँ ताकि उसका वेजिटेबल इनटेक अच्छा हो। और इसको सौते करने के बाद में मूंग दाल और सोयाबीन जो भिगो के रखा है वो सौते करना है, और बाकी जो लापसी दलिया है वो करना है। तो आई मेक श्योर कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सब कुछ जो फाइबर है, प्रोटीन, कार्ब, सब कुछ इक्वली उसके पूरी डाइट में होना चाहिए। तो जस्ट लापसी और दलिया जो भी है वो मैं मिक्स करके इसमें पानी कर दूँगी, और जो बाकी जो मसाले आपको ऐड करने हैं आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। और एक दो विसल में ये बन जाता है, और हेल्दी भी है और टमी फुल हो जाता है, तो ये उसका डिनर है। जब भी मैं इसको डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ, आई मेक श्योर कि उसको वैरायटी हो, उसको पता चले कि अलग अलग चीज़ है। तो सोयाबीन उसको यहाँ पे अलग निकाली है, समटाइम्स वो खाती है समटाइम्स नहीं, और कुकुम्बर जो उसका फेवरेट है, साथ में थोड़ी सी स्टीम्ड कैरेट्स हैं, उसको बहुत ही पसंद है, ये कैरेट बहुत पसंद है उसको। तो कुछ भी खाया बच्चा वेजिटेबल्स, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को सारे कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, तो सब कुछ वो अपने आप खाती है, थोड़ा बहुत मैं बीच में इसको खिलाती हूँ। सो दिस इज़ हर डिनर, तो टाइम पे खिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि बच्चा एक टाइम पे सो सके, और अराउंड 8:30 वो खाने के बाद में सो जाती है। और रात को 10 बजे उसका बेड टाइम मिल्क टाइम होता है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करती हूँ हल्दी वाला दूध। तो सौंफ, अजवाइन, नटमैग का मैंने पाउडर बना के रखा है जो कि दूध में मैं पोर करती हूँ, थोड़ा सा हल्दी जो आप घर पे बनाते हो वो सबसे बेस्ट होता है, थोड़ा सा गुड़ शक्कर टेस्ट के लिए, और सबको मिक्स करके अच्छी तरह इसको बॉईल करना है, एक दो उबाले आने देने हैं, और ठंडा करके बॉटल में आप दे सकते हो। तो इसके साथ एक तो डाइजेशन अच्छा होता है और बच्चे को नींद भी अच्छी आती है, और हल्दी वाला दूध है तो इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। सो दिस इज़ हर फुल डे डाइट रूटीन, मील रूटीन, एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो सून, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल, बाय।